नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में शिक्षा संबंधी साथ ही रीड भर्ती 2020 से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर दोस्तों आप भी रीड भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपको इंतजार होगा कि किस दिन आपकी विज्ञप्ति आने वाली है और साथ ही कब से आपके फॉर्म शुरू होंगे, इस बार पैटर्न में सरकार क्या बदलाव करने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक सरकार के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है कि लेवल वन में है अभी बीएसटीसी वाले ही नहीं बीएड वाले भी शामिल होंगे। तो दोस्तों इस पर क्या आपकी नई खबर आ रही है, पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, ना सिलेबस जारी किया गया, ना ही परीक्षा तिथि और ना ही विज्ञप्ति, और सरकार जो भी सवाल बीच में खड़े कर रही है कि आपकी बीएसटीसी वालों की जगह अब बीएड वालों को भी लेवल वन में शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों ये और कुछ भी नहीं है, सरकार का एक पैंतरा है में आपको एक असमंज स्थिति में डाल दिया जाएगा कि जो भी बढ़ती है उसको कोर्ट में घसीटा जाए ताकि ये बढ़ती लंबी चले, 2 से 3 साल में चले, ये कोर्ट में जाए। अभी दोस्तों अगर विज्ञप्ति नहीं आई तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि आपका जो भी लेवल वन में है वो बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा। ये दोस्तों निर्णय आपका पैटर्न आने के बाद में, विज्ञप्ति आने के बाद में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी अगर आप ऐसी स्थिति में पड़ जाएंगे तो सरकार भी यही चाहती है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो ना करके इन चीजों में घुस जाए ताकि ये विज्ञप्ति का जो मैटर चल रहा है उसमें और डिले किया जा सके। तो दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होने से पूरे ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रीट भर्ती परीक्षा शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों अजमेर के नियमों में संशोधन करते हुए लेवल भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की बात कही है, जिसके बाद प्रदेश के करीब 3 लाख बीएसटीसी आपकी डिग्रीधारी विरोध में उतर चुके हैं। अगर बात करें रीट लेवल आपके फर्स्ट में एसटीसी अभ्यर्थियों के साथ बीएड वालों को शामिल करने की बात की गई है, इसके बाद ही ट्विटर पर लगातार 3 दिन से ये मुद्दा ट्रेंडिंग पे है। एसटीसी वाले अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है और सभी भविष्य की चिंता सता रही है। जगह जगह पर इसको लेकर ज्ञापन देना शुरू कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बनवारी लाल जाट ने बताया कि सरकार की बीएसटीसी वालों विद्यार्थियों की मांग को समझना चाहिए और आपके रीट फर्स्ट लेवल में आपके बीएड वालों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। मांग पर नीरज दादरवाल का कहना कि सरकार बीएड वालों को भी बीएसटीसी यहां वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है। दोस्तों ये दोनों तरफ से एक गुलाम मिला दोस्तों मुद्दा है, परंतु दोस्तों जब तक इसकी विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक ये चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार भी यही चाहती है कि अगर अभी नोटिफिकेशन निकालने में ना अगर ये भर्ती कोर्ट में चली जाएगी तो इसकी विज्ञप्ति ही नहीं आएंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सरकार से पहले ये बोलिए कि इसकी विज्ञप्ति निकाली जाए ताकि सारी चीजें क्लियर की जाए। यानी दोस्तों अगर आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या किसको कब शामिल किया जाएगा, किस प्रकार से आपके पेपर होने वाले हैं, उसी के बाद में दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं वो साफ होगी। क्योंकि दोस्तों अभी विज्ञप्ति नहीं आएगी तो आपके लिए थोड़ा सा है वो गलत होने वाला है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इसी भर्ती को थोड़ा सा लंबा खींचा जाए ताकि नेक्स्ट कुछ सालों में सरकार को भर्ती ना निकालनी पड़े। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर, आशा करते हैं वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। आपकी भी जो राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएँ। दोस्तों मिले नेक्स्ट वीडियो में नई रीट भर्ती 2020 संबंधित आपकी खबर के साथ, अब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।